डियर स्टूडेंट्स टूडे वी विल डिस्कस लेसन सिक्सटीन क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द स्नेर लेट्स स्टार्ट लाइन्स एंड वर्ड्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन वट इज़ द पर्पज ऑफ द पोइट कविता के अंदर लाइन और शब्दों को बार बार रिपीट किया गया है तो कवि का बार बार रिपीट करने का उद्देश्य क्या है आंसर इज द पोइट्स पर्पज इज टू एक्सप्रेस द पेन ऑफ द रैबिट कवि का उद्देश्य है रैबिट के दर्द को व्यक्त करना एंड द नीड ऑफ द ह्यूमन काइंडनेस टू द वाइल्ड एनिमल और आवश्यकता है ह्यूमन की काइंडनेस की उसकी दयालुता की जानवरों के प्रति जंगली जानवरों के प्रति द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फ्रेज फ्राइटनड ईयर कि फ्राइटनड एयर का मतलब क्या है आंसर इज द पोइट मींस टू से कवि के कहने का मतलब है दैट द क्राइज ऑफ द ट्रैप्ड रैबिट आर क्रिएटिंग इन ऑफ फ्राइट फ्राइट मिस डर कि एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है एक उस जाल में फंसी हुई रैबिट के द्वारा उसकी चीख पुकार के द्वारा उसके रोने के द्वारा इन द फॉरेस्ट जंगल में इन अदर एनिमल्स और अन्य जानवरों में भी द थर्ड क्वेश्चन इज वाई इज द पोइट सर्चिंग फ़ॉर द रैबिट कि कवि रैबिट की तलाश क्यों कर रहे हैं उसको सर्च क्यों कर रहे हैं द पोइट इज सर्चिंग फॉर द रैबिट कवि रैबिट की तलाश कर रहे हैं खोजबीन कर रहे हैं बिकॉज क्योंकि ही वांट्स टू हेल्प द रेबिट इन द स्नेयर क्योंकि जाल में फंसे हुए रेबिट की वो सहायता करना चाहते हैं द फोर्थ क्वेश्चन इज हु इज एफ्रेड एंड वाई कौन डरा हुआ है और क्यों डरा हुआ है अ रेबिट इज एफ्रेड एक रेबिट डरा हुआ है बिकॉज ही इज ट्रैप्ड इन आशनअर क्योंकि वह जाल में फंसा हुआ है द पोइट इज ऑल्सो ए कभी भी डरा हुआ है बिकॉज ही इज अनएबल टू लोकेट हिम क्योंकि वह रैबिट को ढूंढने में असमर्थ है द फिफ्थ क्वेश्चन इज वाट प्रोवाइड्स यूनिटी टू द पोइम कविता को क्या चीज एकता उपलब्ध कराती है यूनिटी देती है द लास्ट लाइन ऑफ एवरी स्टेंजा प्रोवाइड्स यूनिटी टू द पोइम प्रत्येक स्टेंजा या छंद की जो अंतिम लाइन है वो इस कविता की यूनिटी प्रदान करती है इट बिकम्स द फर्स्ट लाइन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजा क्योंकि आगे आने वाले नेक्स्ट स्टेंजा की ये प्रथम लाइन बनती है द सिक्स क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम इस कविता की विषय वस्तु क्या द थीम ऑफ द पोइम इज द प्रोटेक्शन एंड फ्रीडम फॉर वाइल्ड एनिमल्स कविता की विषय वस्तु है जंगली जीवों का प्रोटेक्शन और फ्रीडम उनकी रक्षा करना और उनको स्वतंत्रता देना द पोइट इज अनइजी बाई हियरिंग द पेनफुल क्राई ऑफ द रेबिट कभी रेबिट की दर्द भरी आवाज़ को सुनकर के दुखी हो जाता है द पोइट सर से एवरीवेयर कभी रेबिट को सभी जगह ढूंढता है बट ही इज अनेबल टू लोकेट हिम लेकिन उसका वो पता नहीं लगा पाता द पोइट वॉन्स टू फ्री हिम कभी उसको स्वतंत्र कराना चाहता है बट ही डज नॉट फाइंड द प्लेस वियर द क्राइसिस आर कमिंग फ्रॉम कि आखिर रैबिट के रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है ये वो पता नहीं लगा पाता है